ताल्लुक नाही आहे। आणि या सगळ्यांवरती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गोटातून काय प्रतिक्रिया येतात पाहूया। बड़ा आश्चर्यजनक है कि पासवान जी ने ये राजनीतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ के लिए लिया है, क्योंकि हमेशा से वो समतावादी व्यवस्था की बात करते आए हैं, हमेशा वो गरीबों की और पिछड़ों की बात करते आए हैं, परंतु सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के साथ ही है। वो जानते हैं सब कि सामंतवादी सोच है उनकी, फिर भी अगर एनडीए में गए हैं तो वो खुद बताएं कि उनकी अपनी सोच ने इसको प्रभावित किया है या उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों ने। खास तौर पर रामविलास जी का या उनकी पार्टी एलजीपी का अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो मैं समझूंगा इस देश की राजनीति की विडंबना होगी, क्योंकि हमें याद है कि 2002 में रामविलास जी ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और कहा था कि जो गुजरात में दंगा हुआ उसके लिए मोदी दोषी हैं और उनके सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। अगर आज उनके साथ या उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुखद घटना होगी इस देश की राजनीति की। होळ्यात पुढच्या बातमीकडे। तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांच्याकडे कारागृहात मोबाईल सापडलेला आहे। गोव्यातील पणजीच्या कारागृहातून